तो क्या आप जानते हैं कि जीएसटी के नाम पर हम भारतीयों से दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये ना मेरी रिपोर्ट है, ना किसी बड़े अखबार की रिपोर्ट है, ना फिर ये कहीं से ली गई रिपोर्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई है इंडिया के लिए, आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने किसी भी गवर्नमेंट को ना कि ऊपर किया है, ना कि नीचे करने की कोशिश की है। मैं आपको केवल जो कि स्लैब है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कि उसने बताया है, मैं आपको वही रिपोर्ट बताने आया हूँ, बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके और जीएसटी के बारे में आप थोड़ा बहुत मेरी तरफ से और अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं, जितना भी मुझे पता है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि बीते साल 1 जुलाई को संसद सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने जीएसटी को लॉन्च किया था, और उन्होंने कहा था कि ये भारत की पेचीदा टैक्स प्रणाली का सबसे सरल रूप है, ये नई टैक्स क्रांति है। लेकिन आज भी आम आदमी जीएसटी के बारे में कुछ नहीं जानता। अब वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जीएसटी रेट दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा है। रिपोर्ट में आपको बता दें कि 115 देशों के जीएसटी की तुलना भारत से की थी। वहीं वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि भारतीय सिस्टम ने इसे बेहद जटिल जो कि बना रखा है, और 14 मार्च को इंडिया डेवलपमेंट अपडेट की छमाही रिपोर्ट में ये सारी बातें जो कि कही गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है भारत के टैक्स स्लैब की कहानी। तो आपको बता दें कि भारत ने 1 जुलाई 2017 को अमल में लाए गए जीएसटी के ढांचे में 5 स्लैब जो कि 0, 5, 12, 18 और 28% जो कि बनाए हैं। सभी चीज़ें और सर्विस जो कि इसके दायरे में आती हैं, और आपको बता दें सरकार ने कई चीज़ों और सर्विस को इसके दायरे से बाहर भी रखा है। इसके अलावा कुछ पर काफ़ी कम टैक्स भी लगाए हैं, सोने पर जैसे कि 3%, तो कीमती पत्थरों पर 0.25% के रेट से जो कि टैक्स लगाया गया है। वही अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रियल एस्टेट पर लगने वाला स्टॉम्प ड्यूटी और बिजली बिल को इसके तहत जो कि बाहर रखा गया है। तो चलिए बता दें कि किसकी तरह हालत है हमारे इंडिया की। तो आपको बता दें पाकिस्तान और घाना जैसी जो कि इंडिया की हालत हो गई है। आपको बता दें कि 115 में 49 देशों में एक टैक्स स्लैब और 28 देशों में 2 स्लैब हैं। वहीं भारत उन देशों में शामिल है जहां पैब है। आपको बता दें कि भारत के अलावा इस लिस्ट में इटली, लग्जमबर्ग, पाकिस्तान और घाना जैसे जो कि देश शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत को छोड़कर वर्तमान में चारों देशों की इकोनॉमी जो कि डाउन है। जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या है और उसने क्या बताया है जीएसटी के बारे में, कैसी प्रोग्रेस है इंडिया की जीएसटी को लेकर के। तो उन्होंने कहा है कि भारत में टैक्स रिफंड की रफ्तार जो कि बहुत धीमी है, इसका असर पूंजी की उपलब्धता पर जो कि पड़ सकता है, और रिपोर्ट में टैक्स प्रणाली के जो कि प्रावधान को अमल में लाने पर होने वाले खर्च को लेकर भी जो कि इसमें सवाल उठाए गए हैं। हालांकि भारत की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी साख जो कि पकड़ है उसकी होने की वजह से भविष्य में जो कि स्थिति जो कि सुधारी जा सकती है, और भारत को टैक्स रेट की संख्या जो कि कम करना चाहिए, कानून प्रावधान और प्रोसेस को जो कि इसके लिए सरल बनाना चाहिए, जिससे कि जीएसटी और सरल तरीके से लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए एक छोटा सा रिव्यू जान लेते हैं कि क्या है जीएसटी। आज तो लगभग सभी लोग जीएसटी के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूज़न का मामला बना हुआ है कि जीएसटी आखिर में असलियत में है क्या और कैसे टैक्स स्लैब हैं इसके। तो आपको बता दें कि जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से है। इसको केंद्र और राज्यों के 17 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लागू किया गया है। ये ऐसा टैक्स है जो देश भर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होता है, और इसमें एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स जो कि खत्म होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है जो भारत को एक समान बाजार बनाता है, और जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलती हैं। इसका केवल एक यही फायदा है, अभी एक ही चीज़ के लिए 2 राज्यों में अलग अलग कीमत चुकानी पड़ती थी, इसके लिए वजह अलग अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स थे। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन गया है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, पर मैंने जो ऊपर कुछ जानकारियां बताई हैं उसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। अब जाकर के नीचे मैंने एक अच्छा सा ब्लॉग लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे, वहां पे जाकर के आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जानते हैं कि और भी कहाँ जीएसटी हैं
और कितने देशों में जीएसटी जो कि है, और कितना वहाँ के परसेंटेज जो कि रेट है, जिस कितना वसूला जाता है वहाँ के नागरिकों से। तो आपको बता दें जीएसटी 150 देशों में लागू है, लेकिन रेट अलग अलग है। जापान में 5%, सिंगापुर में 7%, जर्मनी में 19%, फ्रांस में 19.6% है। आपको बता दें स्वीडन में 25%, ऑस्ट्रेलिया में 10%, कनाडा में 5%, न्यूजीलैंड में 15% और पाकिस्तान में जो कि 18% तक है। फ्रेंड्स ये थी पूरी डिटेल जो कि कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुछ मैंने एनालिसिस करके और भी जगहों से पढ़ करके आप लोगों के लिए पूरी नॉलेज इकट्ठा करके एक जीएसटी की पूरी डिटेल ही बताई है, और जीएसटी से क्या देश की हालत हो सकती है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जीएसटी का थोड़ा बहुत तो कुछ पता चल सके। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो आप इसे डिस कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ नई अपलोड हों तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जाकर के हमारे चैनल पे और वीडियो जो कि देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि कहाँ पे आप अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पोस्ट ऑफिस स्कीम से लेकर के गवर्नमेंट स्कीम और मनी सेविंग, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।